Students, welcome you all in our online video lecture series of DME1 subject. As we all know, our unit number 1 is in progress, and we have seen uh, lots of uh, bits in our unit number 1. Now, today we are going to see the preferred series. We are going to see the preferred series material properties and selection of materials and last bit of bs bis designation okay so uh, uh, we are going to start now एज़ यू मीन्स अभी तक आपने जो देखा था हमने अभी प्रीवियस लेक्चर में जब जित हमने बहुत सारी चीज़ें प्रॉपर तरीके से देख ली है आज हम देखेंगे कि प्रीफर्ड सीरीज़ क्या होती है जो एक डेजिग्नेशन डिफाइन करने के लिए या डिज़ाइन डिपार्टमेंट में उसका किस तरीके से यूज़ किया जाता है वो देखने के लिए आज हम देखेंगे कि प्रीफर्ड सीरीज़ ये क्या होता है ठीक है ये प्रीफर्ड सीरीज़ जो है आपके लिए ऑब्वियस चीज़ है कि ये नई टर्म रहेगी इसके पहले किसी ने कुछ इसके बारे में सुना भी नहीं होगा और किसी के पास देखा भी नहीं होगा कि एक्चुअली प्रेफर्ड सीरीज़ एग्जैक्टली होता क्या है तो प्रेफर्ड सीरीज़ क्या होता है आ, कि एक आ, जो भी डिज़ाइन इंजीनियर रहेगा उस डिज़ाइन इंजीनियर को एक प्रोडक्ट की साइज़ डिफाइन करने में हेल्प करने के लिए प्रेफर्ड सीरीज़ ये एक टर्म है एक टर्मिनोलॉजी है जो यूज़ की जाती है मान लीजिए कि आपके पास कोई भी एक प्रोडक्ट है और उसकी आपको साइज डिफाइन uh, करनी है साइज़ इन सेंस ऐसा नहीं कि uh, उसका शेप एंड साइज रहता है यहाँ पे साइज यानी क्या रहेगा कि उस प्रोडक्ट के अंदर अलग अलग पैरामीटर्स रहते हैं जैसे उसके अंदर रहेंगे कि भैया आपका जो भी प्रोडक्ट है इसमें कुछ लोड कैपेसिटी करने की लोड कैरिंग कैपेसिटी है क्या नहीं इसकी इसमें कुछ इसके कुछ स्पीड रहेंगे उसके कुछ डायमेंशनस रहेंगे कुछ पावर ट्रांसमिशन कैपेसिटी रहेंगी आपके प्रोडक्ट की उसकी हाइट रहेंगी लेंथ रहेंगी वेट रहेंगी तो ये सारी प्रोडक्ट की जो भी इंफॉर्मेशन रहेगी तो ये डिफ़ाइंड करती है आपकी एक साइज और ये साइज को डिफाइंड करने के लिए आपको एक सीरीज़ की ज़रूरत रहती है ऑब्वियस चीज़ है कि आपको एक सीरीज लगेगी कि आपका प्रोडक्ट मान लो कि जैसे आपने बहुत बार देखा होगा कि नंबर ऑफ़ प्रोडक्ट रहते हैं एक इंडस्ट्रीज़ के लेकिन उनको वो अलग अलग सीरीज से उनको डिनोट करते हैं तो उसको ही हम कहते हैं कि एक प्रोडक्ट का जो भी एक साइज़ रहेगा उसके ऊपर उसकी सीरीज डिफाइंड की जाती है फॉर एग्जाम्पल आपके पास नंबर ऑफ गियर्स है अलग अलग साइज़ के अलग अलग शेप के नंबर ऑफ़ टीथ्स उसके अंदर जो, जो अलग रहेंगे डिफरेंट रहेंगे तो उसको हमको डिफाइन करने के लिए एक सीरीज़ देनी पड़ेगी तो वो सीरीज़ किस पे डिपेंड रहेगी आपके कंपोनेंट के साइज़ के ऊपर साइज़ में जैसे मैंने अभी कहा था कि उसमें सारी चीज़ें आती है उसकी हाइट आएगी उसकी उसकी डायमेंशंस आएंगे उसके वेट्स आएँगी अगर उसमें कुछ लोड कैपेसिटी है कैरी करने की तो वो भी कंसिडर किया जाएगा ये सारी चीज़ें कंसिडर करके ही आपको वो सीरीज़ डिफ़ाइन करनी पड़ती है अब ये सीरीज़ होती क्या है एक्चुअली ये सीरीज़ होती है कि ये बेस्ट होती है जहाँ पे अगर देखोगे आप तो ये बेस्ट रहेंगी आपके जोमेटिक प्रोग्रेशन के ऊपर ठीक है समझ में आ रहा है आपको कि ये एक नंबर ऑफ सेट ऑफ नंबर रहेगा ये जो सीरीज़ रहेगा आपका वो सेट ऑफ नंबर रहेगा और ये डिपेंडेंट रहेगा किसके ऊपर ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन जैसे मैंने अभी कहा था कि आपका ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन यानी क्या प्रोडक्ट का जो भी आपका डिटेलिंग uh, रहेगा जैसे मैंने कहा कि उसकी हाइट साइज डायमेंशनस लोड कैपेसिटी उसकी कैरिंग कैपेसिटी रहेगी उसको हम कहते हैं ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन उसके बेसिस पे ही आपका जो भी सेट ऑफ नंबर रहेगा जो यानी सीरीज रहेगी सीरीज के अंदर नंबर रहते हैं नंबर ऑफ नंबर्स यूज किए जाते हैं तो वो डेवलप किए जाते हैं कि किस तरीके से उसको हम सीरीज नंबर में देंगे हम उसे ठीक है देन नेक्स्ट है कि आप उसके में देखेंगे इसमें बेसिक रहता है कि देर आर फाइव बेसिक सीरीज यानी इस सीरीज के अंदर क्या रहे रहेंगे पांच बेसिक सीरीज रहेंगे डिनोटेड एज अ आर फाइव आर टेन आर ट्वेंटी आर फोर्टी एंड आर एटी सीरीज़ यानी यहाँ समझ में आ गया आपको कि ये बेसिक सीरीज़ है यानी कोई भी प्रोडक्ट को हम बेसिक सीरीज़ यानी बेसिक नंबर देके हम उसको स्टार्ट कर सकते जिसमें आर फाइव से लेके R80 आर एटी तक है ऐसे पांच जो बेसिक सीरीज़ है वो हमें यूज़ करने और ये रिस्पेेक्टिवली uh, उसके स्टेप्स वाइज बढ़ते रह ये इसमें इतना इम्पोर्टेंट नहीं लेकिन हमें सिर्फ इसके सीरीज से ही कंसल्ट करना है तो हमें सीरीज समझ में आ, लेनी है कि जो बेसिक सीरीज है वो है आर फाइव आर टेन आर ट्वेंटी आर फोर्टी एंड आर एटी ठीक है अब ये देन ईच सीरीज हैज़ इट्स ओवन सीरीज फैक्टर अब हर एक हर एक सीरीज में क्या रहेगा एक फैक्टर रहेगा कुछ तो अलग फैक्टर रहेगा जैसी मैंने कहा कि कंसीडर किया जाएगा कि उसके अंदर उसका वेट अगर कंसीडर किया तो उस वेट के ऊपर ही हम उस सीरीज को आगे फॉरवर्ड करेंगे यानी आगे फॉरवर्ड करेंगे यानी आगे डेवलप्ड करेंगे मान लो आर टेन है तो हम अगर उसको कंसीडर करेंगे इसके अंदर हमें वेट का ही कंसीडरेशन करना है तो हम उसको वेट के हिसाब से फिर आगे लेके रहेंगे फॉर एग्जांपल आर टेन डब्ल्यू समथिंग समथिंग परसेंटेज ऑफ वेट का जो भी रहेगा वो उसके आगे हम कैरियर फॉरवर्ड करते जाएंगे फिर उसके बाद अगर हम उसको कंसिडर कर रहे हैं कि इसके अंदर हमें इसकी स्पीड भी कंसिडर करनी पड़ेगी तो फिर उसके अंदर हम वही सी करेंगे आर टेन आर जो भी आपको बेसिक सीरीज लेनी पड़ेगी वो लेंगे हम प्रोडक्ट के ऊपर देख के एंड देन वेट का फिर समथिंग परसेंटेज एंड देन स्पीड का समथिंग परसेंटेज ऐसा उसका एक सीरीज बनता है होपफुली आपको समझ में आएगा अभी क्या है नेक्स्ट और देखिए सीरीज इज इस्टैब बाय टेकिंग द फर्स्ट नंबर देखिए सीरियसली देखिए इस चीज को कि द सीरीज इज इस्टैब्लिश्ड बाय टेकिंग द फर्स्ट नंबर एंड मल्टीप्लाइंग इट बाय सीरीज फैक्टर टू गेट द सेकेंड नंबर आ रहा है समझ में यानी क्या है कि जो फर्स्ट नंबर रहेगा सीरीज का वो रहेगा आप आपको लेना है और मल्टीप्लाई करना है कि जैसे मैंने अभी थोड़ी देर पहले पहले कहा था कि जिस उस सीरीज के अंदर जो फैक्टर आपको यूज़ करने तो उसको आपको मल्टीप्लाई करते जाना है यानी उसके मल्टीप्लाई करना है उसके अंदर आपको ऐड करते जाना है देन सेकंड नंबर इज अगेन मल्टीप्लाइड बाय सीरीज फैक्टर टू गेट द थर्ड नंबर एग्जैक्ट मीनिंग वही आ रही है आपकी ठीक है देन ये इस तरीके से वो कैरी फॉरवर्ड होते जाता है ठीक है तो प्रीफर्ड नंबर मिनिमाइज अननेसेसरी वेरिएशन इन साइजेस इसमें क्या होता है कि प्रीफर्ड नंबर जो रहेंगे वो क्या करेगा जो अनवांटेड चीज़ें हैं जिसके अंदर हमको सीरीज़ के अंदर नहीं चाहिए जिसकी वजह से इन्फॉर्मेशन गैदर करने के लिए या इन्फॉर्मेशन स्प्रेड करने के लिए या किसी को इन्फॉर्म देने के लिए कुछ कन्फ्यूजन क्रिएट होने वाला होगा तो उसमें हम क्या करते हैं कि अनवांटेड जो भी उसके अंदर सीरीज़ के अंदर जो भी आप अनवांटेड नंबर्स पुट करोगे तो वो हमें क्या करेंगे हम उसको इस प्रीफिट सीरीज से, से निकाल लेंगे यानी प्रिफिट सीरीज आपको उस तरीके से हेल्प करता है कि वो चीजें इसमें से निकल लेंगे निकाल लेंगे ठीक है ना द कंप्लीट रेंज इज कवर्ड बाय मिनिमम नंबर ऑफ साइजेस यानी अगर एक कंपोनेंट है एक प्रोडक्ट है उसका बहुत लंबा सा सीरीज होने वाला है बहुत लंबी उसकी सीरीज होने वाली है तो वो भी बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन वाली चीज़ होगी या वो मेमोराइज करने को बहुत तकलीफ होगी तो उसको हम क्या करेंगे एक अलग नंबरिंग देके उसको मिनिमम जितना कर सकते हैं उसके अंदर हम मिनिमम कर सकते ठीक है तो बेसिकली आपको यहाँ पे समझ में आ रहा होगा कि हमें सीरीज यानी क्या है आपका सीरीज यानी सीधा सीधा आपके प्रोडक्ट का सीरियल नंबर वो वो सीरियल नंबर किस तरीके से डेवलप किया जाएगा वो इसके अंदर उन्होंने बताया कि प्रॉपर क्या किस तरीके से आपको सीरियल नंबर डेवलप करना पड़ता है देर आर टू टर्म्स नेमली बेसिक सीरीज एंड डिराइव्ड सीरीज़ ठीक है ना यानी इसमें क्या बोला गया है कि जहाँ इस सीरीज़ के अंदर यानी जो भी सीरियल नंबर आपको बनाने हैं तो इस सीरीज़ के अंदर दो चीज़ें इंपॉर्टेंट है जो है एक बेसिक सीरीज़ है और एक है डराइव सीरीज़ बेसिक सीरीज़ जिसको हमने देखा था अभी आर फाइव आर टेन आर ट्वेंटी आर फोटी एंड आर एटी ये ये है आपके बेसिक सीरीज़ और जो भी इसके ऊपर फॉर्म किए जाएंगे यानी बेसिक सीरीज़ के उप, के ऊपर यानी इनका यूज़ करके इससे डेवलप होंगे तो वो होगी आपके डिराइव्ड सीरीज़ ठीक है ना ये हो गया आपके डिराइव सीरीज ये ठीक है देर आर टू मेथड्स ऑफ फॉर्मिंग डिराइव सीरीज नेमली रिड्यूसिंग द नंबर्स ऑफ पर्टिकुलर बेसिक सीरीज और इंक्रीजिंग द नंबर्स एज इट इज जैसे आपको थोड़ी देर पहले कहा था मैंने कि अगर आपका सीरीज नंबर बहुत जन लॉन्ग होने वाला है तो आप उसको क्या करते हो कि उसको कुछ कम करने के लिए फिर भी हम कम करने के लिए हम उसको उसको भी एक अलग तरीके से सीरीज नंबर देंगे तो उसको हम कहते हैं सीरीज नंबर तो होपफुली आपको समझ में होगा कि वॉट डू यू मीन बाय प्रीफर्ड सीरीज तो सीधा सीधा मीनिंग है सिंपल मीनिंग है कोई भी प्रोडक्ट का सीरीज करना यानी सीरियल नंबर उसको देना वो डिपेंडेंट करता है उसके फैक्टर के ऊपर और फैक्टर की किसको कहते हैं हम उसका साइज़ डायमेंशंस लोड कैपेसिटी रहेगा कैरिंग कैपेसिटी का रहेगा उसका डायमें स्पीड्स रहेंगे तो इसको हम कहते हैं उसके फैक्टर और ये फैक्टर किस पे डिपेंडेंट रहेगा ये फैक्टर कब कंसिडर करेंगे हम उसके बेसिक सीरीज़ के ऊपर जैसे बेसिक सीरीज आपको बताया था कि कोई भी प्रोडक्ट का एक बेसिक सीरीज़ रहेगा फिर उसके ऊपर हम फैक्टर को कंसिडर करके उसके आगे उसको कंटिन्यू करेंगे सीरीज़ बनाने के लिए और वो डिपेंडेंट रहेगा आपके प्रोडक्ट के ऊपर का जो भी फैक्टर आप यूज़ कर रहे हो ठीक है तो यहाँ तक हो गया आपका ये प्रीफर्ड सीरीज़ अब हम देखेंगे मटेरियल्स uh, आप जो बहुत इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है आपके इस सिलेबस के अंदर कि आपका मटेरियल किस तरीके से रहना चाहिए जैसे मैकेनिकल प्रॉपर्टीज़ होती है अलग अलग प्रॉपर्टीज़ होती है तो उस तरीके से अगर आपको जब uh, कोई भी एक मटेरियल सेलेक्ट करना है या Uh, कुछ भी मटेरियल के रिगार्डिंग बात करनी है तो हमें क्या कंसिडर करना पड़ता है ठीक है तो हम अब यहाँ पे देखेंगे सलेक्शन ऑफ मटेरियल्स फॉर इंजीनियरिंग पर्पज़ यानी क्या कि अगर आपको आपके डिजिंगनेशन आपने डी एम ई वन सब्जेक्ट के सॉरी डी एम ई वन में आपको ये दिखाया जा रहा है कि आप जब मटेरियल का या प्रोडक्ट का ड्राइंग बनाते हो डिज़ाइन बनाते हो तो आपको मटेरियल भी सेलेक्ट करना पड़ेगा तो मटेरियल किस बेसिस पे सेलेक्ट करना पड़ेगा तो वो हम आज के लेक्चर में देखेंगे कि सिंपल है कि आपको आपका मटेरियल का सबसे बेसिक चीज़ें देखनी पड़ेगी कि आप जो भी मटेरियल जहाँ से भी लोगे तो वो अवेलेबल है क्या नहीं मार्केट में उसकी अवेलेबिलिटी प्रॉपर है क्या नहीं मार्केट में वो हम फर्स्ट चीज़ देखेंगे देन वो सस्टेन कर रहा है कि नहीं यानी आपका कोई भी मटेरियल रहा वो कोई भी एनवायरमेंट कंडीशन में वर्किंग करने के लिए सस्टेबल है या नहीं वो भी हमें देखना पड़ेगा फॉर एग्जाम्पल आपने आइस लेके आ गए और आप कह रहे हो कि आइस मुझे फॉर uh, एग्जाम्पल आप आइस तो नहीं लेना चाहिए एग्जाम्पल लेकिन जस्ट समझने के लिए कह रहा हूँ मैं आइस में लूँगा और आइस में ठंडी uh, के दिनों में मार्केट में लेके जाऊँगा तो ऑबियसली जो जितना समर में आपका आइस uh, uh, जितना भी आपका सेलिंग होगा उतना तो आपका इसमें नहीं होगा विंटर में ठीक है ना तो सेम तरीका है कि जैसे फॉर एग्जांपल गियर बनाने के लिए जो भी आप मटेरियल यूज़ करने वाले हो तो आप देखते हो कि वो मटेरियल मार्केट में इजीली अवेलेबल है या नहीं है रॉ मटेरियल फिर वो जब मैं लूँगा तो वो मटेरियल प्रॉपर तरीके से हाई हीट पर भी सस्टेन करना चाहिए लोअर टेम्परेचर भी उसने सस्टेन करना चाहिए जब वो मैन्युफैक्चरिंग भी की करेगा हो रहा होगा या जब भी वो मैन्युफैक्चर होने के बाद कोई भी कस्टमर यूज़ कर रहा होगा तो वो भी हमें चेक करना पड़ता है फिर उस मटेरियल की कॉस्टिंग में आपको बहुत इंपॉर्टेंट है कि आपका जो भी मटेरियल आप चूज़ कर रहे हो तो उसकी कॉस्टिंग प्रॉपर तरीके से कन्वीनियंट हो सबके लिए रॉ मटेरियल की भी कॉस्टिंग और फिनिश गुड की गुड की भी कॉस्टिंग जितना रॉ मटेरियल आपका कॉस्टली रहेगा ऑब्वियस चीज़ है कि आपका फिनिश गुड भी उतना ही कॉस्टली चला जाएगा ठीक है तो ये होगा आपके सिलेक्शन ऑफ से सलेक्शन क्राइटेरिया ऑफ योर मटेरियल अब और होते हैं कि इसके ऊपर आपको और चेक करना पड़ता है कि आपको मटेरियल किस बेसिस पे और सेलेक्ट करने पड़ेंगे जैसे फिजिकल प्रॉपर्टीज़ होती है और मैकेनिकल प्रॉपर्टीज़ होती है तो फिज़िकल प्रॉपर्टीज़ सबको पता है कि वो क्या होता है कि फिजिकल प्रॉपर्टीज़ में हम देखते हैं जो उसके लुक पे डिपेंड करता है मटेरियल के लुक पे ऊपर डिपेंड करता है कि वो उसका कलर किस साइज़ का रहेगा कलर केलर कौन सा रहेगा साइज़ क्या रहेंगे उसकी शेप क्या रहेगा उसकी डेंसिटी क्या रहेंगी तो ये नंबर ऑफ पॉइंट्स रहते हैं जिसमें हम कंसिडर करते हैं उसका फिज़िकल प्रॉपर्टीज ठीक है देन इंपॉर्टेंट जो अभी देखना है हमें कि हमें मटेरियल सेलेक्ट करना पड़ता है ऑन द बेसिस ऑफ मैकेनिकल प्रॉपर्टीज सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ जो है वो मैकेनिकल प्रॉपर्टीज़ है ठीक है तो मैकेनिकल प्रॉपर्टीज में क्या है मैकेनिकल प्रॉपर्टीज किसको कहते हैं जिसने जितना आपने सुना होगा आज तक स्ट्रेंथ टफनेस रफनेस डक्टिलिटी प्लास्टिसिटी प्रटलनेस ये सारे क्या हो गए आपके एक मैकेनिकल प्रॉपर्टीज होते हैं तो हम पूरा कवर नहीं करेंगे लेकिन एक नंबर ऑफ थिंग्स आप कवर करेंगे जिसको आपको समझ में आएगा जैसे फॉर एक्जाम्पल जैसी स्ट्रेंथ तो स्ट्रेंथ क्या होती है इट इज़ एबिलिटी ऑफ मटेरियल टू रजीज द एक्सटर्नल अप्लाइड फोर्स विदाउट ब्रेकिंग और इल्डिंग ठीक है अब स्ट्रेंथ का मीनिंग क्या है कि कोई भी एक एक्सटर्नल फोर्स यानी कोई भी एक बाहर से फोर्स आपके प्रोडक्ट के ऊपर अगर अप्लाई हो रहा है या उसके ऊपर अप्लाई किया जा रहा है तो उस मटेरियल की एबिलिटी ये होती है कि वो क्या करता है कि आप वो उस लोड को तब तक कैरी करेगा या तब तक रजिस्ट करते जाएगा जब तक वो टूटेगा नहीं या जब तक वो टूटेगा नहीं या उसका एंड पॉइंट पे वो रीच आउट नहीं करेगा तो उसको कहते हैं हम उस मटेरियल की स्ट्रेंथ है समझ लीजिए एक मटेरियल टूटने के पहले तक टूटने के पहले तक नॉट अ बेंडिंग नॉट अ क्रैक इट्स अबाउट ब्रेकिंग तो जब तक वो टूटता नहीं है तब तब तक उस मटेरियल की हम क्या कहेंगे ये मटेरियल की स्ट्रेंथ है ठीक है देन स्टिफनेस इट इज़ एबिलिटी ऑफ मटेरियल टू रजिस्ट डिफॉर्मेशन अंडर स्ट्रेंथ यानी क्या कि स्टिफनेस क्या रहेगी कि कोई भी मटेरियल के ऊपर जब भी आप कोई भी लोड अप्लाई करोगे तो वहां पर स्ट्रेस इंड्यूस होने वाला भी इस चीज़ है तो जब भी वो स्ट्रेस इंड्यूस होगा और ये डिफॉर्म होगा डिफॉर्म होगा यानी क्या उस शेप के अंदर हल्का सा चेंजेस होना स्टार्ट हो जाएंगे है उसके अंदर फिर वो क्रैक आएंगे या बेंड होगा या थोड़ा सा कुछ भी उसके अंदर हल्के से भी चेंजेस आएंगे तो उसको वो रजिस्ट करेंगे उसको हम कहते हैं स्टिफनेस ठीक है देन इलास्टिसिटी एज यूज सबको पता है कि इलास्टिसिटी किसको कहते हैं कि जो जिस मटेरियल के ऊपर अगर आप कोई भी एक फोर्स अप्लाई करते हो तो उसके ओरिजिनल शेप से वो डिफॉर्म करता है और जब वो रिलीज करोगे आप मटे उसका लोड तो वो आपस उसके ओरिजिनल शेप में आता है उसको हम कहते हैं इलास्टिसिटी प्लास्टिसिटी इसके अपोजिट होता है कि अगर आप मटेरियल के ऊपर लोड अप्लाई कर रहे हो और वो उसका शेप आउट हो जाता है तो वो जब मटेरियल का मटेरियल के ऊपर आप आपसे लोड निकाल लेते हो तो वो शेप उसका रिगेन नहीं करता ओरिजिनल शेप में नहीं आता और ऐसे के वैसे ही रहता है उसको कहते हैं प्लास्टिसिटी डक्टिलिटी यानी क्या कि मटेरियल को हम क्या करते हैं कि उसके ऊपर फोर्स अप्लाई करते हैं और वो एक शेप में परमानेंट रहता है जैसे वायर फ्रेम में रहेगा या शीट मेटल के फ्रेम में रहेगा फॉर्म में रहेगा तो उसको हम कहते हैं उसकी डक्टिलिटी तो अब ऐसी नंबर ऑफ प्रॉपर्टीज़ रहती है आपके मैकेनिकल की मैकेनिकल मटेरियल की जो मैकेनिकल प्रॉपर्टीज़ के अंडर हम कंसीडर करते हैं कि किस बेसिस पे हमको मटेरियल को सेलेक्ट करना चाहिए और करना नहीं चाहिए ठीक है तो होपफुली यहाँ पे आपको आपका मटेरियल के बारे में भी समझ में आ गया होगा क्या कि सिलेक्शन ऑफ मटेरियल किस तरीके से करते हैं हम और बेसिक मटेरियल किस तरीके से करते हैं अब अब हम देखेंगे मेन इम्पॉर्टेंट इस चैप्टर के अंदर का बेसिक वो है आपका बी आई ए डेजिग्नेशन अब बी आई ए डिजिग्नेशन क्या रहता है बी आई एस डिजिग्नेशन क्या रहता है ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड यानी ये क्या रहेगा एक कोडिंग रहेगी सिंपल तरीके से कोई भी मटेरियल के लिए आप कोडिंग देते हो ये जो बीट है ये मोस्टली आपका कवर होगा मेटेलर्जी मटेरियल्स एंड मेटेलर्जी सब्जेक्ट के अंदर एम एन एम हम जिसको एम एन एम कहते हैं तो बहुत छोटी चीज़ें इसके अंदर बस इसके अंदर क्या दिया जाएगा जैसे अभी मैंने कहा था कि प्रीफर्ड सीरीज़ यानी एक प्रोडक्ट का सीरीज़ दिया जाएगा सीरियल नंबर दिया जाएगा उसके फैक्टर के ऊपर उसको देख के तो वो हमें किस तरीके से फाइंड आउट करना है कि इसके अंदर क्या है किस तरीके से हम इसको फाइंड आउट करेंगे तो इसके लिए ये इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है आपका बी आई एस डेजिग्नेशन यानी डेजिग्नेशन क्या क्या प्रोडक्ट को आप उस मटेरियल को एक डेजिग्नेशन देंगे एक कोडिंग देंगे एक सीरियस सीरियल नंबर देंगे तो वो कौन देता है एक ब्यूरो होती है उसका नाम है इंडियन स्टैंडर्ड ठीक है तो वो उस वो अब वो, वो किस बेसिस पे देती है वो इस बेसिस वो, उस उस पर उनका डिपेंडेंट रहता है कि वो मैकेनिकल प्रॉपर्टीज मैकेनिकल कंपोजिशन चेक करते हैं और उसके केमिकल कंपोजिशन चेक करते हैं जैसे अब यहाँ पे दिख रहा है द बेसिस ऑफ मैकेनिकल प्रॉपर्टीज इज यूज वेयर द मेजर क्राइटेरिया क्राइटेरियन ऑफ फॉर सेलेक्शन ऑफ स्टील इज इट्स टेंजाइल स्ट्रेंथ और इल स्ट्रेंथ यानी क्या कि जब भी आप फिजिकल प्रॉपर्टीज और मैकेनिकल प्रॉपर्टीज मटेरियल का केमिकल प्रॉपर्टीज कंपोजिशन या प्रॉपर्टीज भी बोलोगे तो आप उसको जब कंसिडर करोगे तो आपको उस बेसिस के ऊपर एक कोडिंग देनी पड़ेगी एक सिम्बॉल देना पड़ेगा तो वो सिम्बॉल क्या है यफ ई यफ ई यानि कैपिटल एफ और स्मॉल ई ये यूज़ किया जाएगा जब आप टेंजाइल स्ट्रेंथ कंसिडर कर रहे हो मटेरियल की तो मान लो टेंजाइल स्ट्रेंथ उसकी है थ्री हंड्रेड न्यूटन पर एम एम ठीक है तो हम क्या करेंगे एक्स वाई जेड प्रोडक्ट की टेन स्ट्रेंथ है टू हंड्रेड एंड नाइन थ्री हंड्रेड न्यूटन पर एम एम तो हम क्या करेंगे उस मटेरियल का सिंबल किस तरीके से कैपिटल एफ स्मॉल ई थ्री हंड्रेड आ रहा है समझ में तो हम इस तरीके से उसको डेजिग्नेशन करेंगे यानी उसका सीरियल नंबर बनाएंगे या जब भी आपको दिया होगा तो आप उस तरीके से उसको अंडरस्टैंड करेंगे तो यफी ई किसके लिए यूज़ किया जाता है जब भी आप टेंजाइल स्ट्रेंथ कंसिडर कर रहे हो और जब भी आप इल स्ट्रेस कंसिडर कर रहे हो तो आप यफ ई और कैपिटल ई आ रहा है समझ में एफ स्मॉल ई और कैपिटल ई ये आप इल स्ट्रेस के लिए यूज करते हो ठीक है तो ये हो गया ऑन द बेसिस ऑफ केमिकल कंपोजिशन एंड मैकेनिकल कंपोजिशन फिर उसके बाद होता है कि आप वापस उसके अंदर अगर उसके आगे कंटिन्यू करना है तो आप बहुत सारी चीज़ें उसके अंदर कंसिडर करते हो जैसे कि उसका मेथड डीऑक्सीडाइजेशन का भी चेक करते हो कि अगर आपके मटेरियल के अंदर डीऑक्सीडाइजेशन हो रहा है नहीं हो रहा है तो उसके हिसाब से आप आर या के ये दो सेम्बॉल्स भी यूज़ कर सकते हो फिर स्टील की क्वालिटी अगर चेक करनी तो उसके ऊपर भी आप उसके ऊपर सिंबल चेक कर सकते हो कि या इसकी क्वालिटी किस बेसिस पे हो तो ये क्वालिटी Q1 से Q5 इसके रेंज के अंदर डिपेंडेंट रहती है तो उसके अंदर वो यूज़ की जाती है देन डिग्री ऑफ प्योरिटी होती है कि इसके अंदर हम वापस वही चेक करते कि कित किस बेसिस पर इसके अंदर फास्फोरस है एक चीज़ समझ लीजिए जितना नंबर ऑफ़ फास्फोरस का और सल्फर इस, इसके अंदर रहेगा कोई भी मेटल के अंदर रहेगा उसकी इम्प्योरिटी और प्योरिटी ज़्यादा होती है तो वो भी हम उसके अंदर परसेंटेज की लेवल में देखते हैं ठीक है देन वेल्डेबिलिटी ऑफ गारंटी इसमें दिया है कि उसकी गारंटी यानी डब्ल्यू ये ए सिंबॉल अगर वो वेल्ड हो रहा है नहीं हो रहा है तो हम उसको W ये सिंबल यूज़ करेंगे रेजिस्टेंस अगर ब्रिटल उसका नेचर रहेगा ब्रिटल फ्रैक्चर होने के चांसेस उसके अंदर अगर ज़्यादा रहेंगे तो हम उसको सिंबल B से देंगे कैपिटल B से देंगे B बी ज़ीरो बी टू और बी फोर यानी ये चार सिंबल में से हम उसको एक सीरीज़ में से पिक करेंगे कि जो भी उसको सूटेबल रहेगा उसके अंदर तो सर्फेस के लिए भी हम कैपिटल एस से उसको यूज़ करेंगे तो इस तरीके से नंबर ऑफ चीज़ें आपको बी के अंदर आप उस मटेरियल को डेजिग्नेट करते हैं तो मैं यहाँ पे आपको ज़्यादा डिटेल में नहीं लूँगा इस सब्जेक्ट ये आपका डी क्योंकि आपका मटेरियल एंड मेटलर्जी के अंदर ये बिट बहुत डिटेल में रहेगा तो वो वहाँ पर वो सब्जेक्ट टीचर आपको प्रॉपर तरीके से समझाएंगे तो यहाँ पे बस आपको एक बेसिक चीज़ थी उसकी क्या समझ के लेना है तो वो मैंने आपका कवरअप कर लिया है फिलहाल अभी ठीक है तो अभी आपका जो भी सिलेबस के रिगार्डिंग फर्स्ट बीट का सिलेबस uh, में जो दिया था आपको तो सिलेबस के रिगार्डिंग आपके uh, हमने पॉइंट जो कवर किए अभी यूनिट नंबर वन के अंदर कि जो फर्स्ट जो दिख रहा है आपको यूनिट नंबर वन फंडामेंटल्स एस्पेक्ट ऑफ डिज़ाइन के अंदर जो फर्स्ट बिट दिख रहा है आपको उसके अंदर हमने ऑलमोस्ट सारी चीज़ें कवर अप कर ली है तो ये तो थेरी पार्ट था अब इसके आगे और थेरी पार्ट है ही लेकिन अभी जो इंपॉर्टेंट बेसिक पार्ट था तो उतना अब तक हमने कवर कर लिया है तो इसके रिगार्डिंग भी अगर किसी को कुछ कन्फ्यूजन होगा तो प्लीज़ मुझे मैसेज कीजिए या कॉल कीजिए या कॉन्टैक्ट कीजिए इन एनी मैनर हाँ तो आपके डाउट्स में क्लियर करूंगा ट्राई करूँगा क्लियर करने के लिए टिल देन आप उसको रिवाइज करते जी, करते रहिए ठीक है तो ठीक है तो आज के लेक्चर में इतना ही बी सेफ थैंक यू